1794 में बनाई गई ये लेक सिर्फ भोपाल की ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई गई थी। इसका पानी जो है एज अ वाटर रिसोर्सेस के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी जो है वो कुएं और उस वक्त के टाइम पे जो नाले हुआ करते थे उनका जोड़ के बनाया गया था। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेलकम है आपका वापस से सिटी ऑफ लेक्स में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल की दूसरी सबसे मशहूर लेक छोटा तालाब, जिसे काफ़ी सारे लोग पुख्ता लेक के नाम से भी जानते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा। वहाँ उस तरफ पीछे साइड एक पुल है जिसका नाम पुल पुख्ता है, जिसकी वजह से इस लेक का नाम ऐसा भी पड़ा। 1794 में बनाई गई ये लेक सिर्फ भोपाल की ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई गई थी। इसका पानी जो है एज अ वाटर रिसोर्सेस के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी जो है वो कुएं और उस वक्त के टाइम पे जो नाले हुआ करते थे उनका जोड़ के बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि जो बड़े तालाब का ड्रेनेज होता है ना, जो बड़े तालाब का पानी इस साइड आता है, ये पानी इस लेक में जाता है और यहाँ से पुल पात्रा से होते हुए रिवर हलाली के अंदर जाके मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका कुछ ऐसे काम करता था, ठीक है। उस वक्त के जो यहाँ के नवाब थे उनने भोपाल की ब्यूटिफिकेशन के लिए इस लेक को बनवाया था। तो जल्दी से दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, फटाफट कुछ यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस लेक के कुछ दूसरे हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखिए कैसा लगता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ की मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो कि सामने आप जो एक मंदिर देख रहे हो, मैं जूम कर लूँ, हाँ, तो ये मंदिर जो है छोटे तालाब के कोने पे मौजूद है, तालाब वाली देवी जी के नाम से फेमस है। उसी के बगल में ये पुल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे इस साइड जहाँ कमला पार्क है और रानी कमलापति महल, और उसके बाद बड़ा तालाब शुरू हो जाता है वापस से, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये वाटर स्पोर्ट्स को डेडिकेटेड है भोपाल के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखो तो आप लोग को कयाक भी रखी हुई दिखेंगी, और यहाँ पर काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और विंटर्स के अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे। कोविड की वजह से कुछ टाइम से बंद है, लेकिन देखो शायद इस साल फिर से हो। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये वाला लेक का, ये कायाकिंग को डेडिकेटेड है। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ करिश्मा पार्क में। ये करिश्मा पार्क जो है पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे साइड आता है, मतलब PHQ के पीछे साइड आता है। तो आप यहाँ पे भी आके इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो। और शाम के वक्त, अभी जिस वक्त मैं आया हूँ, करीब 5:30 बज रहा होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है, शांत है। बस पीछे से रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक ठाक जगह है, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी गंदा है, ये भी बता दूं पास का, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो था ये कोई नदी पे नहीं बना था, इसे बनाया गया था नाले और कुओं को जोड़ के। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स रानी कमलापति महल, जो इस ही लेक का एक दूसरा छोर है। जस्ट हम अभी यहाँ खड़े हैं, अब हम जाएंगे उस तरफ सामने, ठीक है। तो वहाँ चलते हैं अपन लोग, तो मिलता हूँ आप लोगों को सीधे बाइक पर। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका था छोटे तालाब के दूसरे हिस्से पे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नए ब्रिज पे जो अभी अभी बना है, और इसी के साथ आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हो, रुको घुमा के दिखाओ।
तो ये जो देख रहे हो आप सामने, जूम करता हूँ मैं, ये है रानी कमलापति महल, जिसका निर्माण सन 1722 में कराया गया था गोंड रानी कमलापति के द्वारा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में, मतलब सॉरी, इसके जस्ट पीछे जो है वो बड़ा तालाब है, और यही एक मेड़ है जो बड़े तालाब को छोटे तालाब से सेपरेट करती है, ठीक है। अगर कल को भविष्य में कभी ये टूटती है ना, तो बड़ा तालाब का सारा पानी इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा तालाब का जो लोअर लेवल है, ठीक है, वो इस छोटे तालाब का हाईएस्ट वाटर लेवल है। फिर हम आते हैं इस साइड हम लोग, तो ये देख रहे हो आप, पुराना भोपाली है हमारा पूरा, और हम अभी उधर सामने थे, ठीक है, वहाँ से हम इधर तक आए पूरा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियोस को और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा भोपालियों को और अपने फ्रेंड्स को, जो कभी भोपाल आए थे या आने वाले हैं, उनको पता चले कि भोपाल में कितनी लेक है, और भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। और नए हो अभी मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप इसी तरीके से देख पाओ। तो कल मिलता हूँ, कल हम कवर करेंगे 2 से 3 लेक और नई, तो कल आपको मिलता हूँ मैं वापस से वीडियो में। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि सेफ़ रहो और बाय बाय।